संगीत के, खासतौर पे शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह की योजनाएं या जिस तरह का सहयोग या जिस तरह की मदद भारत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, आपको लगता है वो सही दिशा में है वो रास्ता? कलाकार बनने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता होता है, बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत तकलीफ़ों से एक संगीतकार बनता कैसे है। तो जब उसके स्ट्रगलिंग डेज जो होते हैं उसमें सरकार की कोई मदद नहीं मिलती है, उसमें सरकार को पता भी नहीं लगता कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन रियाज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और जब वो एक कलाकार एक पर्टिकुलर किसी स्तर पर पहुंच जाता है तब सरकार भी कृपा करती है कि उनको अवार्ड दे देते हैं, उनको सम्मान दे देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकार से बहुत ज़्यादा ग्रांट्स लेते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस से ग्रांट लेते हैं ऑन द नेम ऑफ प्रमोशन ऑफ म्यूज़िक, प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। भाई म्यूज़िक जो है ये टूथपेस्ट नहीं है, ये कोका कोला नहीं है, ये कोई ब्रांड नहीं है। आप एक ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, म्यूज़िक को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इट ग्रोज़ ऑन यू। ये संगीत जो है वो इंसान के दिमाग पे, दिल पर असर करता है और फिर लोग उसे सुनने लगते हैं। ना ही हम संगीतकार को प्रमोट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अब ये कलाकार जो है यही सबसे अच्छा गायक है, या यही जो कलाकार है यही सबसे अच्छा सितार वादक है या सरोद वादक है। तो ये सारी बातें काम नहीं आती हैं, सिर्फ रियाज काम आता है, साधना काम आती है। और फिर हमारे देश में जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो जब देशवासियों ने प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं तो इसका मतलब देशवासी उनकी इज्जत करते हैं और उनको उनका मान सम्मान करते हैं और हम भी उनको सलाम करते हैं। इसी तरह कलाकार को भी देशवासी चुनता है। आज एक बिस्मिल्लाह खान शहनाई में एक ही नाम क्यों आता है? क्योंकि जनता ने उनको प्यार दिया, जनता ने उनको सर पे बिठाया। हज़ारों शहनाई प्लेयर हैं, हर प्रांत में शहनाई प्लेयर है। तो इसी तरह से तो ये बड़ा नेचुरल ग्रोथ होती है। तो इसीलिए बजाय इसके कि सरकार ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दे, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो कला की सेवा कर रही है उसका उसका इंस्पेक्शन हो, उसके बारे में जानकारी ले। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत सिंसियर हैं और बहुत कमिटेड हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं, लेकिन उनको सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, उनको सरकार से कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलती है। अगर सरकार को मदद करना ही है तो स्कॉलरशिप, टैलेंटेड लोगों को स्कॉलरशिप दें। जो महान गुरु लोग हैं, जो मशहूर कलाकार हैं, उनसे पूछताछ करें कि किसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प एक सही वक्त पर अगर मिल जाए, या अवार्ड्स भी, ये अंडर 40s वालों को भी अवार्ड मिलना चाहिए। ये क्या वजह है कि सिर्फ 70 और 80 साल वाले को अवार्ड दिए जाते हैं, और अगर 80 होते होते वो चला जाए तो वो बेचारा अवार्ड से वंचित रह जाता है। तो यंगर जनरेशन को सही, जैसे स्पोर्ट्समैन को 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में दुनिया के सारे अवार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादातर हमारी सरकार 70 साल, 80 साल और 90 साल की इंतज़ार में रहते हैं। तो ये कलाकार के लिए बहुत ही अनहेल्दी सिस्टम है, कला के लिए अनहेल्दी, क्योंकि कला तो हमेशा जवान रहती है, कलाकार बूढ़ा हो जाता है। Thank you.
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।